अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं गरम गरम आलू के पराठे, जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलिए देखते हैं ये आलू के पराठे मैंने कैसे बनाए हैं और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। लिए मैंने 400 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया है। क्रश की हुई अदरक चाहिए हमें 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली हुई है बारीक कटी हुई। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप कम ले लें। और इसके अलावा हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई। हल्दी पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। नमक चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर लिया मैंने 2 टीस्पून। आमचूर पाउडर लिया मैंने 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। यहाँ पर आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आटा क्योंकि प्लेन होता है तो इसमें मसाले जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तभी आलू के पराठों में टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके अलावा हमें चाहिए व्हीट फ्लार यानी कि गेहूं का आटा, ये मैंने 2 कप लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो आटे में हम नमक ऐड करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। एक ही बार में सारा पानी ऐड करके हमें इसे नहीं गूंदना है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका स्मूथ सा डो गूंद लेंगे। जैसा हम नॉर्मल रोटी का गूंदते हैं बस वैसे ही हमें इसका डो तैयार करना है। अगर ये डो हार्ड होगा तो आलू के पराठे फटने का चांस होता है, तो इसीलिए हम इस डो को सॉफ्ट ही रखेंगे। तो ये डो रेडी है, तो हम इसे रख देते हैं 20 मिनट साइड में सेट होने के लिए। तो ये आटे को हम रख देते हैं साइड में, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, अब हम इसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से कर रही हूँ। तो इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे पहले और फिर बाद में हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे और इसे फिर से मैश करेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलूओं में अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए और जो आलू के पीसेस में रह गए हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं। तो यहाँ पर मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक ऐड करेंगे हम क्रश की हुई। नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और ये है आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब हम इसे फिर से मैश कर लेंगे ताकि जो आलू के पीसेस में रह गए हैं वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएं और जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से आलूओं में रिलीज़ हो जाए। तो ये जो आलू है इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, ये पूरी तरह से रेडी है पराठों के लिए। तो चलिए हम इसके पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आटा हमने गूंद के रखा था वो पूरी तरह से सेट हो चुका है, तो इसमें से थोड़ा आटा हम ले लेंगे और इसे रोल करते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इसके सारे पेड़े तैयार करके रख लेने हैं और फिर हम इसे डस्ट कर लेंगे आटे में और फिर हम इसको बेल लेंगे। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, बस हम जैसे पूरी बेलते हैं बस उतना ही हमें इसे बेलना है। तो देखिए बस इतना ही हमें इसे बेलना है। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से इसके जो किनारे हैं उसको हम सील कर देंगे। देखिए इस तरह से, तो बस इस तरह से हमें घुमाते हुए ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसका हमें इसे निकाल देना है
और फिर हम इसे उंगलियों से इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो आलू की फिलिंग है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और फिर हम इसे आटे में डस्ट कर लेंगे और उंगलियों की मदद से इसे बड़ा करते जाएंगे। आप इसे जितना बड़ा कर सकती हैं उतना बड़ा कर ले उंगलियों से, देखिए इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। इस पर ज़्यादा जोर देके हमें इसे नहीं बेलना है, हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। तो देखिए इसी तरह से आपको पराठे को बेलना है। इसमें ऊपर से आलू नज़र आने लगे हैं, अगर ऊपर से आलू नज़र आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसकी जो साइड है, जो किनारे हैं, वो फटने नहीं चाहिए। अगर पराठे की साइड फट जाएगी तो पराठे में से आलू जो है वो बाहर आ जाएंगे, तो इस बात को आप ध्यान में रखें, इसकी साइड आप फटने ना दें। तो देखिए हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है, तो हम इसे एक तवे पे डाल देते हैं सेकने के लिए। तो पराठे को पहले हम सेक लेते हैं एक साइड से और फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। पराठा एक साइड से सिक चुका है तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। पराठा जब अच्छे से सिक जाएगा तो हम इस पर घी लगाएंगे। अगर आप घी पहले इस पर लगा देंगे तो ये पराठा जो है वो ऊपर से तो सिक जाएगा मगर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए हम पराठा जब अच्छी तरह से सिक जाएगा तभी हम इस पर घी लगाकर सेकेंगे। अगर आपको तेल यूज़ करना है तो आप इस पर तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी में बने हुए पराठों की तो बात ही कुछ और होती है। तो मैंने इसकी दोनों साइड पर घी लगा दिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से सेकेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि मुझे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी ही पसंद है। तो चलिए ये जो पराठा है वो अच्छी तरह से सिक चुका है, इसको मैंने अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लिया है, तो मैं इसे अब डिश आउट कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसे बनाना, कोई बड़ा मसला नहीं है, बस आप इसे ट्राई करते रहें, आपसे एक बार नहीं होगा लेकिन दूसरी बार तो आप सीख ही जाएंगे। तो मज़े मज़े के खाने आप बनाते रहें, खाएं और खिलाएं भी। और अगर आपको मेरी आलू पराठे की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही जो बैल का निशान है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं, दोनों जहानों की खुशियां आपको नसीब फरमाएं। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।